हेलो एवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। और आज मैं बड़ी ही अहम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है आजकल के दौर के अंदर, इस मॉडर्न दौर के अंदर जहाँ पे हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फ़ोन कॉल पर इंग्लिश में बात करने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें मौजूद तमाम सेंटेंसेस को ज़रा गौर से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ताकि जब आप किसी से इंग्लिश में बात करें फ़ोन के ऊपर, तो कौन कौन से जुमले बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा फ़ोन बज रहा है। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। मेरा फ़ोन बज रहा है। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। मुझे लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग। अच्छा, हेलो जी, कौन? हेलो, हु इज दिस? हेलो, हु इज दिस? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हु इज स्पीकिंग? कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? मैं आसिम हूँ। यहाँ पे आप कोई भी, आप जो आप कॉल कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेगा। दिस इज आसिम। अगर मैं हूँ, दिस इज राहत। क्या मैं नरमीन साहिबा से बात कर सकता हूँ? यहाँ से नरमीन साहिबा की जगह पे आप कोई भी नाम लगा सकते हैं जिसे बात करनी है आपने। कैन आई टॉक टू मिस्टर राहत? या कोई भी नाम आप लगा सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? तो ये उस वक्त हम जब हम कहेंगे कि आप जब आवाज़ इंटरप्ट हो रही हो, कैन यू हेयर मी? क्या मैं नगीना साहिबा से बात कर रहा हूँ? मतलब कि जब आप बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि अब आप वही हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ। एम आई स्पीकिंग विद? आगे आप कोई भी नाम लगा देंगे जिसे आप बात करना जा रहे हो। मुझे इस नंबर से मिस कॉल आई। आई जस्ट गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर। आई जस्ट गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर। क्या मैं इनके लिए मैसेज दे सकता हूँ? कुड आई हैव अ मैसेज फॉर हर प्लीज़? या हेम हो जाएगा, लड़का हो या वाला। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वेयर आर यू कॉलिंग फ्राम? वेयर आर यू कॉलिंग फ्राम? वो दूसरी कॉल पर है। ही इज़ ऑन अनदर कॉल। मुझे लगता है नेटवर्क ख़राब है। मुझे लगता है नेटवर्क ख़राब है। आई थिंक देर इज़ बैड कनेक्शन। देर इज़ बैड कनेक्शन। माजरत के साथ आपकी आवाज़ कट रही है। सॉरी, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ। लेट मी कॉल यू फ्रॉम एन अदर नंबर। लेट मी कॉल यू फ्रॉम एन अदर नंबर। लगता है हमारी कॉल कट गई थी। आई थिंक वी गॉट कट ऑफ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यहाँ पे आएगा एम आई ऑडिएबल टू लाइफ लिसनिंग। बैटरी ख़त्म होने को है। माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। एक मिनट में चार्ज उठा लूँ। हैंग ऑन, लेट मी ग्रैब अ चार्जर। आपसे बात करके अच्छा लगा। Nice talking to you. ठीक है, फिर बात होती है। ओके, टॉक टू यू लेटर। रबते में रहिएगा। कीप इन टच। रबते में रहिएगा। ये हम जब हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बाद में मिलेंगे, तो उस वक्त कीप इन टच। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। Yes, I can hear you. नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। No, I can't hear you. मैं बमुश्किल ही आपको सुन पा रहा हूँ। I can barely hear you. यहाँ पे barely की जगह पे आप hardly भी कह सकते हैं। I can hardly hear you. आपको किससे बात करनी है? हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू? आपने क्या नंबर डायल किया? वट नंबर डिड यू डायल? माजरत, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। ओ सॉरी, आई डायल्ड अ रॉन्ग नंबर।
वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। कि जब हम कहते हैं ना कि वो मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रहा, तो उस वक्त वो जो मैं आखिरी जुमला बोलेंगे, मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, आई हैव बिन ट्राइंग टू कॉल यू। आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, वाई डिड नॉट यू पिक अप द फोन। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, होल्ड या फिर हैंग ऑन, इनमें से दोनों वर्ड कोई बोल सकते हैं हम। इंतज़ार कराने के लिए माजरत, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। कल फिर से कॉल कीजिएगा, कॉल बैक अगेन टुमारो। मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, क्या मैं वापस कॉल करूँ आपको। आई एम अ लिटिल बिजी, कैन आई कॉल यू बैक। तुमने मेरी कॉल क्यों काटी, वाई डिड यू डिक्लाइन माई कॉल। मुझे कॉल की आवाज़ बंद करनी होगी, आई हैव टू म्यूट द कॉल। अपना कैमरा खोलो, टर्न ऑन योर कैमरा। मैं हैंड फ्री पकड़ लूँ, लेट मी ग्रैब द हैंड फ्री। यहाँ पे ग्रैब की जगह गेट भी लगा सकते हैं। चलें ग्रुप कॉल लेते हैं, लेट्स टेक अ ग्रुप कॉल। तुम मुझे कॉल कर लेते, यू शुड हैव कॉल्ड मी। अपने भाई से मेरी बात करवाओ, मेक मी टॉक टू योर ब्रदर। तो हम ये उस वक्त बोलेंगे कि हाँ अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, अपने भाई से बात करवाएं। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़ वेट। मैं देखता हूँ अगर वो हैं तो, लेट मी सी इफ़ ही इज़ अवेलेबल। माजरत मैं समझ नहीं पाया, सॉरी आई कुडंट गेट यू, या कुड नॉट अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं। वो बारह कहेगा, कम अगेन प्लीज़। अच्छा मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ओके लेट मी रिपीट दैट फॉर यू। आई फॉर टिगर, अच्छा टी से टिगर। थोड़ा ऊंचा बोलें, कुड यू स्पीक अप प्लीज़। क्या आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे।